हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में किससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। हाल में ही कंडक्ट कराए गए IBA के द्वारा वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया को प्राउड फील कराया है अपने 4 फीमेल बॉक्सर्स ने। उन्होंने जीते हैं 4 गोल्ड मेडल्स इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज, और ये करंट की न्यूज़ चल रही है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक की सारी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको इस चैंपियनशिप से रिलेटेड याद रखना चाहिए। सबसे पहले हो जाता है कि कौन से नंबर का एडिशन था। तो ये जो 2023 में कंडक्ट कराए गए हैं वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये 13वें नंबर का एडिशन था। और इसका वेन्यू क्या था, तो वेन्यू मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस बार के 2023 के वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुए हैं अपने इंडिया में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू दिल्ली। उसके बाद इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो इसे ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA। IBA के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कब से कब तक चले, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, ये चले 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक। ओके, और इस बार के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी इंडियन फीमेल बॉक्सर्स ने इंडिया को दिया प्राउड मोमेंट बाई विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स इन डिफरेंट वेट कैटेगरीज। और ये जो 4 फीमेल बॉक्सर्स हैं, ये हो जाती हैं, पहली हो जाती हैं स्वीटी बोरा, जो कि हरियाणा से हैं। उसके बाद नीतू जंगास, ये भी हरियाणा से हैं। उसके बाद हो जाती है निखत जरीन, जो कि बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। और लास्ट हो जाती हैं लवलीना बोरगोहेन, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। ओके, और इस बार का जो चैंपियनशिप हुआ है, ये ऐसा सेकंड टाइम हुआ है जब इंडिया ने इतनी अच्छी पोजीशन अचीव की है। इससे पहले इंडिया इस तरह की पोजीशन अचीव किया था 2006 के इवेंट में। ओके, अब जो इस बार का इवेंट था उससे रिलेटेड जो भी हाइलाइट्स हैं, जो अपने फीमेल बॉक्सर्स थी उनसे इंपॉर्टेंट, कौन सी कैटेगरी में उन्होंने जीता है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाती हैं लवलीना बोरगोहेन, जो कि बिलोंग करती हैं असम से। इन्होंने 75 kg कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल, और क्योंकि ये न्यूज़ में थी तो इनसे रिलेटेड पुराने फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल इन 2020 ओलंपिक, जो कि हुए थे जापान टोक्यो में। ओके, तो 75 kg में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और 2020 ओलंपिक में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नीतू जंगास, इन्होंने 48 kg कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। और इनसे रिलेटेड पुराना फैक्ट ये है कि इन्होंने गोल्ड जीता था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, तो याद रखिएगा, और ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। ओके, इसके बाद निखत जरीन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, इन्होंने 50 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इसे जीतते ही इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये बन गई फर्स्ट इंडियन बॉक्सर आफ्टर मैरी कॉम टू विन 2 गोल्ड्स इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, तो ये 2 गोल्ड जीत चुकी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इस बार भी इन्होंने गोल्ड जीता है 50 kg कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट आ जाती है स्वीटी बोरा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 81 kg में जीता है गोल्ड मेडल। ओके, तो इनकी कैटेगरी याद रखिएगा, 81 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। निखत जरीन ने 50 kg कैटेगरी में, नीतू जंगास ने 48 kg कैटेगरी में, और लवलीना बोरगोहेन ने 75 kg कैटेगरी में। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड पता होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।